शंभुगंज प्रखंड में हम बने हुए हैं और लगातार यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल हम दिखा रहे हैं कि आखिर इतनी योजनाएं चलने के बावजूद किस तरह ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकास के लिए वंचित है। इसी बीच हमारी भेंट यहाँ के प्रत्याशियों से भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ शंभुगंज प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 के उम्मीदवार हैं जिला परिषद के दिवाकर सिंह कुशवाहा जी, इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप है। बहुत बहुत स्वागत दिवाकर बाबू, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और बैनर पोस्टर तो हमने देखा है हर जगह तकरीबन आपने जा हुआ है, क्या उम्मीद और आशा लगाए हुए जनता से? जनता से आशा रख कि हम जीत के जाएंगे और जीत के आएंगे तो फिर जो काम रुका हुआ है, जो नहीं हुआ है, उसको हम अपने जिला से लेकर के पूर्ति करेंगे। कैसी उम्मीद मिल रही है? जनता तो सबको देख रही है, परख रही है और जनता अभी अपने आप को मौन रखी हुई है। जी मौन नहीं रखी, मौन तो रखी हुई है लेकिन पर्व के बाद जो है खुल जाएंगे। क्या अपील कीजिएगा जनता से, संविधान की जनता से, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 की जो जनता है उससे क्या उम्मीद और अपील करना चाहेंगे? कि हमको जिता के भेजेंगे, जिता के भेजे जी, निष्पक्ष मतदान के लिए। क्या निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, निष्पक्ष मतदान, ज्यादा से ज्यादा जनता वोट करेंगे और हम भारी मतों से जीत करके। दिवाकर जी थे ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 शंभुगंज के जिला परिषद पद के उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव सिंबल है लेडीज पर्स छाप और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ की जनता इनके साथ है और जनता जनार्दन है। जनता सब जानती है कि आखिर किसे जिताना है, किसे हराना है और कौन हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर सकता है। तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 शंभुगंज के जिला परिषद की ताज किसे मिलती है ये तो 15 नवंबर के वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। बहरहाल बने रहिए बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए मोबाइल न्यूज 24 पर। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।